हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे नया सोलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो दोस्तों तुषार मेहता को ये नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, लास्ट क्लास में जो मैंने आपसे पूछा था दोस्तों। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर दिया है दोस्तों, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को विश्व कुश्ती चैंपियन 2018 में रजत पदक प्राप्त हुआ है? तो फोटो के अंदर देख पा रहे हैं दोस्तों, बजरंग पुनिया इनका नाम है दोस्तों, इन्हें मिला है दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियन 2018 के अंदर। ये भारत की तरफ से पहलवानी की थी इन्होंने और रजत पदक हासिल किया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं हाल ही में शुरू हुआ द्रुजबा 3 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जा रहा है? तो ये पाकिस्तान और रूस के बीच में किया जा रहा है दोस्तों। ये इसका नाम है दोस्तों द्रुजबा 3 सैन्य संयुक्त अभ्यास। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें तो हाल ही में किसे 19वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये फाली एस नरीमन को किया गया है, जैसे कि फोटो के अंदर आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें तो हाल में ही म्यांमार ने 37वें बंदरगाह के रखरखाव व सुरक्षा के साथ किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों 37वें बंदरगाह के रखरखाव के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने भारत के तटीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो जो मंजूरी दी है भारत के तटीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए, तो ये दिया है दोस्तों $43.4 मिलियन दिए हैं भारत ने ग्रीन क्लाइमेट फंड को। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो दीपावली पर पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए किसके द्वारा हरित दिवाली स्वच्छ दिवाली नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा की गई है, लेट्स मेक ए ग्रीन दिवाली। तो ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है दोस्तों, और इस अभियान का नाम रखा है उन्होंने हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो हाल में ही कैमरून के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो पॉल बिया को चुना गया है, जैसे कि आप फोटो के अंदर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कैमरून के नए राष्ट्रपति हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो क्रेडिट स्विस द्वारा जारी ग्लोबल वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार किस देश के शीर्ष 1% अमीर के पास देश की आधी से अधिक संपत्ति है? तो ये भारत के है, ऐसा भारत में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत की आधी से ज़्यादा संपत्ति है, यानी 51.5% संपत्ति है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो हाल में ही उद्धव उत्सव नामक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ग्वालियर के अंदर किया गया है दोस्तों उद्धव उत्सव का, और ये 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल में ही ऑनलाइन ई कॉमर्स वेब पेमेंट सिस्टम पेटीएम ने किस देश में पे नामक सर्विसेज को लॉन्च किया है? तो ये जापान के अंदर लॉन्च किया है दोस्तों ई कॉमर्स और पेटीएम सिस्टम ने। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो दोस्तों आज मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और मेरा क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में जारी मानवता पूंजी सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 113वां, 14वां, 115वां, 116वां। तो इनमें से जो भी करेक्ट आंसर लगता है दोस्तों उसे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जल्दी, ताकि वो भी जीके के क्वेश्चन देख सकें और आज की करंट अफेयर देख सकें दोस्तों। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, सुझाव हो और विचार हो तो उसे कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।